हैं शिवपाल यादव की टैटू। हम चाहेंगे थोड़ा सा और पास से या आप इसको दिखाइए इनको। मुलाकात हुई, हम थोड़ा सा अनकर उनके व्यवहार के बारे में बात करें तो उनका व्यवहार कैसा है? बीच में खटास भी उत्पन्न हो गया था चाचा और भतीजा में, उसके लिए क्या टाइगर जिंदा है माफिया बीजेपी बारे में बता दूसरे 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। हाँ। आएंगे हाँ। आए किसी के खड़े हुए हैं, उनकी भी लाल टोपी है, वहीं अखिलेश यादव भी यही टोपी पहन करके चलते हैं। आगामी अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है तो उसमें क्या क्या तैयारियां? आपके पास शहीद होता है अपने सेना जवान और उनकी बॉडी घर पर आती पहले ऐसा। अखिलेश के दीवानों की सूची में तमाम ऐसे नाम है जो की आप देख पा रहे होंगे की हमारे पिछले वीडियो में, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने की अपने किसी हाथ कोई हाथ पर कोई सीने पर टैटू बनवाया हुआ था। कोई हूबहू अखिलेश यादव को उसमें टैटू में उतारने का प्रयास किया था, कोई शिवपाल यादव को उतारे हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं शिवपाल यादव की टैटू। हम चाहेंगे थोड़ा सा और पास से या आप इसको दिखाइए इनको। देखिए ये शिवपाल का टैटू है और लिखे हुए हैं, यानी कि कहने का मतलब हो सकता है कि इनके सरकार है और इनकी इन्होंने तस्वीर आपके इन्होंने अपने सीने पर टैटू बुधवाई है। फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका परिचय क्या है और उसके बाद हम इसके बारे में भी बात करेंगे। मेरा नाम गोविंद यादव है, मैं सैपई से हूँ जी। तो जैसे कि आपके आपने ये टैटू बनवाया शिवपाल यादव जी का और ऐसे तमाम जो लोग हैं अखिलेश यादव जी का टैटू बनवाया, कोई मुलायम सिंह का भी टैटू बनवाया है, तो आपके विचार में इनका विचार कैसे आया शिवपाल यादव जी के बारे में? देखो पत्रकार महोदय जी, मैं आपको बता दें जो शिवपाल यादव है वो गरीबों के मसीहा है। आपको हम बता दें जो मतलब यादवों का नाम अभी तक इतने ऊंचा पहुंचा है, यादवों का नाम हमारे हाँ। इतना ऊंचा पहुंचा, इस लेवल तक पहुंचा है, किसी मतलब जानकारी हुई है तो मानी शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव जी की वजह से आज हमारा नाम यहां तक है। हाँ। नहीं जैसे हमारे कहने मतलब कि आप अभी यंग हैं, नवयुवा हैं और अखिलेश यादव जी अभी नवयुवा हैं, तो आपके विचार इनसे मिलने चाहिए और शिवपाल यादव जी से मिल रहे हैं तो कोई तो कनेक्शन होगा। तो क्या ऐसे वो हमारे विधायक भी हैं जी, जसवंत नगर विधानसभा से। अच्छा आप ही के विधानसभा से? हाँ, सैप पे ही आती है वो, जसवंत नगर विधानसभा में आती है, तो हमारे वो विधायक भी है और हमारे सरकार भी है। हमारे सरकार नहीं, वो पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार है। वो जो ऐसे दबंग लोग होते हैं, दबंग लोग होते हैं वो गरीब लोगों को सताते हैं। आप लोग दुकान माफिया है उत्तर प्रदेश में, उनको सही करने अगर किसी ने भी सही किया है तो माननीय शिवपाल यादव जी ने इन माफियाओं को सही किया, सही लाइन पे लेके आए हैं। अच्छा आपकी मुलाकात हुई, हम थोड़ा सा अनकर उनके व्यवहार के बारे में बात करें तो उनका व्यवहार कैसा है? मैंने आपसे पहले बता दिया पत्रकार महोदय जी, गरीबों में मसीहा है जी। आप कभी भी जाना वो सिंपल तरीके से मिलते हैं। हाँ। ये कोई मतलब घमंड नहीं है कोई, हमारे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी 4 बार विधायक यहाँ पर रह चुके हैं, तो इनको कोई घमंड नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, मतलब जो शिवपाल वो जानता है, वो भी अगर शिवपाल यादव से मिलने जाए उनकी समस्या सुनते हैं। जैसे हम लोग गए हैं तो क्या होगा, तुरंत कागज लेंगे तो वहाँ काम होगा, आदत तुरंत देंगे। मतलब जो गरीब जितना गरीब होगा व्यक्ति उनकी मदद करते हैं, गरीब मसीहा है वो, इसलिए मैं अपने सीने में माननीय शिवपाल सिंह यादव को टैटू बनवाए हैं। बीच में खटास भी उत्पन्न हो गया था चाचा और भतीजा में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो मेरे लिए दोनों ही मतलब जो हमें आपसे प्यारी बताया पत्रकार महोदय जी, वो मेरी विधानसभा जसवंत नगर है, हमारे विधायक चाचा जी पहले से ही थे जी। जब मतलब इन लोगों आपस में दो आपस दो क्या होगा, घर का मैटर घर वाले जाने, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते क्योंकि घर की चीज है। जब हम अपने घर में दो भाई हैं वो आपस में लड़ जा बैठ सकते हैं, तो मतलब हो सकता है ना, इसे मतलब घर की इसका मतलब मुझे कुछ नहीं कहना है इस बारे में। लेकिन फिर से तो अब पैचअप हो गया, अब साथ में अब पार्टी अब विलय हो गया, फिर से अब जो है कि साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ तो साथ में लड़ेंगे और चाचा जी आजमगढ़ से इस बार लड़ेंगे सांसदीय चुनाव, आजमगढ़ से रहेंगे और अंकुर भैया हमारे शिवपाल सिंह के पुत्र वो रहेंगे अब जसवंत नगर संभालेंगे। अच्छा चलिए मान लीजिए अगर आजमगढ़ की जनता देख रही है तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? अभी तो बीजेपी के वहाँ सांसद निरहुआ है इस समय। देखो निरहुआ और निरहुआ चाचा जी के सामने नहीं चले कुछ भी, ठीक है, शेर शेर होता है, टाइगर अभी जिंदा है। आपको आपने पहले कभी देखा हो तो शिवपाल यादव मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, वो किसी डरते नहीं है, जैसे बालू माफिया है, कोई रेत माफिया है, इन सब के बाप है, डरते किसी नहीं, डराने का काम करते हैं, गरीबों के साथ रहते हैं, गरीबों सताने का काम नहीं करते हैं। बीजेपी वाले गरीबों सताने का काम करते हैं, समाजवादी लोग गरीबों सताने का काम नहीं करते, बताएं मोदी जी। जैसा कि अभी घोसी विधानसभा में भी इनका नाम आया था कि जब अभी ये सब गुड़ा गणित जो है कि शिवपाल यादव जी का ही था, उनके ही देन है कि घोसी विधानसभा आप लोग विजय प्राप्त। पत्रकार मोदी जी मैं आपको बता दें, आपने बहुत सही पूछा है, तो क्या यहाँ पे शिवपाल सिंह यादव पहले से पहुँच गए थे, क्योंकि काफी मतलब माफिया लोग यहाँ पे लोग धमका रहे थे, पुलिस प्रशासन भी धमका रहा था, तो जो हमारा शेर जब पहुंच जाता है तो किसी की दम नहीं उस शेर के आगे आ जाए। तो टाइगर अभी जिंदा है माफिया बीजेपी बारे में बता दूसरे माफिया लोग हैं, सावधान हो जाएं, समाजवादी शेर समाजवादी में वापस आ चुका है, इसलिए हिसाब से रहें। अब तुम्हारी गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी में नहीं चलेगी।
जब ये गवर्नमेंट में थे तो इन पर लांछन भी काफी चीजों में लगा था, वैकेंसियों में भी लगा था, तमाम ऐसे लोग अभी देख रहे हैं, वो कमेंट भी करेंगे इस बात पर, उनसे क्या कहना चाहेंगे? अब मैं ये बताऊं तो जो मतलब हमारे यहाँ पे 7-8 साल हो गई सरकार को, कितनी भर्ती निकाल दी मुझे ये बता दिए, तो मतलब ऑफिसर को उठा देते, वो स्वाभाविक पार्टी सरकार में भर्ती निकली थी, लोग लगे थे, अब भाजपा सरकार में कोई भर्ती नहीं निकली है तो वो तो अच्छा उठाएंगे ना, बताओ बताओ कौन सी भर्ती निकाल दी, कौन सी भर्ती पूरी हो गई निकाल, एक बोला क्यों करते पैट का फॉर्म निकालो पहले, है 2017 में बीटीसी पढ़ा हुआ हूँ, बीटीसी बैच 2017 में है, अभी तक कोई बीटीसी की भर्ती नहीं आई 2017, अब बताओ क्या करेंगे हम, अब जब भर्ती निकाले तो हम लोग ओवरएज हो जाएंगे, तमाम लोग यहाँ से बिहार में जाकर अभी जॉब पाए हैं टीचर में, हाँ तो मतलब जो काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव वो काम कर रहे हैं ना, वो काम करने वाला काम करेगा कहेगा नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, आएंगे आए किसी के नहीं है, ये हम लोग लैपटॉप बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, बांटे किसी को नहीं है, हमारे नेता शिवपाल यादव खिलाफी कर रहे हैं बीजेपी के लोग, वो क्या है लगाएंगे प्रभातवाद लगाते हैं, गुंडागर्दियाँ लगाते हैं, तो लगाते क्यों, मतलब प्रभातवाद जो अपने आप जो समझ लो, मेरे माननीय योगी आदित्यनाथ जी शादी तो हुई नहीं है तो प्रवाद लगाएंगे नहीं, बच्चे हैं नहीं तो ये कहेंगे प्रवाद बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बच्चे हैं, शिवपाल यादव के बच्चे हैं तो प्रवाद बात तो कहेंगे, हो अब प्रवाद क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि मतलब इनके बच्चे हैं ही नहीं तो बच्चे क्या कहेंगे प्रवाद, हम लोग इनसे क्या कहें, नहीं बच्चे ही नहीं हो शादीशुदा है नहीं, अब बच्चे वो क्या जाने, चलिए मतलब इनका कहना है कि जब आपके पास परिवार नहीं तो परिवार के दर्द क्या जानेंगे, फिलहाल आप टैटू यहाँ पर देख ही पा रहे हैं और इसका इन्होंने रीजन भी बता दिया कि क्यों बनवाए हैं, और तमाम ऐसे लोग जुड़े हुए थे हमारे साथ जो कि अखिलेश यादव का टैटू बनवाए थे, उनमें से देखिए एक लोग हमारे साथ आज फिर से जुड़े हुए हैं, और ये तस्वीर आप देख पाएंगे अखिलेश यादव जी का कलरफुल टैटू है, टोपी लाल टोपी आप देख पा रहे हैं, पीछे समाजवादी समर्थक खड़े हुए हैं, उनकी भी लाल टोपी है, वहीं अखिलेश यादव भी यहीं टोपी पहन करके चलते हैं, और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवम गोस्वामी है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से, बुलंदशहर जिले से हैं गोस्वामी जी हैं, और ये ना कहिएगा कि अभी ये यादव जी थे, अभी देखिए ये गोस्वामी जी हैं, तो मतलब ये ना हो कि बिरादरी बात है, बिरादरी में इन्होंने बनवाया है, और ये आपका समर्थन रहा होगा, उनसे प्यार रहा होगा, तभी आपने बनवाया, क्यों बनवाया? देखो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी एक विकास पुरुष है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम उत्तर प्रदेश में करे हैं वो आज तक किसी नेता ने उत्तर प्रदेश में काम नहीं किए हैं, कोई दीवाना ऐसे ही पैदा नहीं हो जाता, आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कामों को देख के दीवाने बन रहे हैं, आगरा नखलू एक्सप्रेस वे 100 नंबर माननीय जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर इतना काम कर दिया कि आज तक किसी सरकार ने किया, माननीय योगी दोबारा सरकार क्यों नहीं बना पाए, अभी आप देख ही रहे हैं कि 2012 से मतलब कब की सरकार थी, फिर दूसरी बार फिर बीजेपी ने फिर से सरकार बना ली है, देखो 2022 में समाजवादी की सरकार बन गई थी, ईवीएम ने और पुलिस प्रशासन ने मिलकर समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनने दी, हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन चुके, चुनाव आयोग पर आप आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा, आपने बनारस में नहीं देखा था, आपने बनारस में नहीं देखा था, 2 गाड़ी ईवीएम की पकड़ी गई हमारे बुलंदशहर जिले में, खुद हमने ईवीएम की निगरानी करी, पूरी रात हमने ईवीएम की निगरानी करी, हर जनपद में ईवीएम की निगरानी करी थी। चलिए देखिए तमाम समर्थक हमारे साथ जुड़े हुए थे, और इन लोगों को अखिलेश यादव जी कहते हैं दीवाने हैं, दीवाने हैं, दीवानों के नाम से बुलाते हैं, और दीवाने आपने देखे होंगे पिछले वीडियो में कितने दीवानों से हमने मिलाया था, फिलहाल पर्सनली इनसे हमारी मुलाकात हुई, तो हमने सोचा क्यों ना इनकी बातों को रखा जाए, क्योंकि थोड़ा सा अलग एक प्रकार का चीजें है, ये बनवाया आपने कहाँ से है? जो बनाने आया था जयपुर से, बनाने घर पे बनाने आया था जयपुर से। अच्छा, क्या आपने बुलाया था क्या? नहीं नहीं बुलाया था, बिना बुलाया कौन आया पुत्र मोहन जी? तो क्या आपसे पहले से मित्रता थी क्या? नहीं मित्रता नहीं थी, हम टैटू देखे हुए मित्र हैं, सुबह शाम मित्र हैं, काफी लोगों ने देखा, हमने फोन किया ऐसे नंबर लिया, फिर उसे बुलाया है, पत्रकार मुझे अपने बताया कि अब स्वाभाविक सरकार पार्टी क्यों नहीं बनी, तो मैं आपको बता दें जो स्वाभाविक पार्टी सरकार अभी चुनाव हुआ था वो आपको बता दें, जो हमारे 75 विधायक थे ओनली कोई 1000 कोई 4000 कोई 3000 वोट मतलब हारा नहीं, हराया गया है, मतलब काफी नजदीक हराया गया, मतलब क्या जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम है, अब हमारे गाँव में प्रधान है, प्रधान कहेगा वही होता है, अब जिस टाइम डीएम होगा डीएम कहेगा वही होगा, 75 सीटें हराई गई है, मतलब देखिए ये सब तमाम आरोप हैं। चलिए आगामी अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो उसमें क्या क्या तैयारियां आपके पार्टी हैं? तैयारी चल रही है, 80 में 80 सीट लेके जाएंगे इस बार। अच्छा, 80 में 80 लेके जाएंगे, 80 सीट है। फिर से मुलाकात होगी आपसे? जरूर होगी, मतलब अभी देखो कन्नौज चुनाव हुआ, हम लोग कन्नौज में रहेंगे, चलिए फिलहाल अभी देखिए लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो हम लोग फिर से इनसे मुलाकात करने का प्रयास करेंगे, फिलहाल
अखिलेश के दीवाने हमारे साथ जुड़े हुए थे और भी ऐसे ही अखिलेश के दीवानों से और जो भी रहेंगे हम मुलाकात करने का प्रयास करेंगे, अलग लोग दिखाई देंगे। तो एक काम और बता दें, अभी तक किसी ने नहीं कर पाया है, पूरे भारत में किसी ने नहीं किया था क्या जो माननीय हमारे मुलायम सिंह यादव जी ने किया था, रक्षा मंत्री रहते टाइम। पता है जो तो हमारे शहीद लोग होते हैं, किसी की बॉडी घर पे नहीं आती थी, वो तो ठीक है। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किसी जात पात नहीं देखी थी कि मतलब ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, क्या ये कोई समाज से आता, ये नहीं देखा था। जब सारे फौजी एक समान माननीय मुलायम सिंह माने थे तो सारे भाई मतलब फौजी भाइयों की बॉडी घर पे आती है माननीय राष्ट्रीय मुलायम सिंह यादव वजह से, रक्षा मंत्री वजह से। तो मतलब इसमें कोई जात बात नहीं, हम लोग करते हैं जात बात करते हैं बीजेपी वाले, हिंदू मुस्लिम करते हैं बीजेपी वाले। चलिए, मतलब इनका कहना है कि मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे तो उन्हीं की देन थी कि जब अब जब जो भी देश में शहीद होता है अपने सेना जवान और उनकी बॉडी घर पर आती, पहले ऐसा नहीं होता था। और फिलहाल देखिए हमारे साथ सपा के तमाम समर्थक जुड़े हुए थे, ऐसे और भी लोगों से हम लगातार रूबरू करवाएंगे, जो भी अजूबे दिखेंगे इस प्रकार के हम उनसे अब तक रूबरू होने का प्रयास जरूर करेंगे। फिलहाल ऐसे ही खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।